खुशी को कोई चीज मिलती नहीं है तो रोला शुरू कर देती है भाई। क्या हो गया? बुखार आ गया मम्मी? तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, सुबह के 7 बजे हैं, आज बहुत जल्दी नींद खुल गई है मेरी, तो जल्दी से ही नहा धो लिया हूँ, बस चाय नाश्ता करते उसके बाद निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। और हमारे पास में बैठी है टिल्लू। टिल्लू गुड मॉर्निंग। बस अंजलि चाय लेके आ रही है, चाय नाश्ता करते हैं उसके बाद निकलते हैं। और ये देखिए, जैसे ही मोबाइल उठाता था ना, घुसने की कोशिश करती है ये दोनों की दोनों। कप्पू तो है नहीं, उधर रोआराटी में लगी हुई है, कप्पू में वे भी मार पड़ी है, पता नहीं किस बात पे मैं अंदर हूँ, लेकिन टिल्लू भाग के मेरे पास आ गई है। किस बात पे मार पड़ी है? वो खुशी को मार रही थी इसलिए उसको मार पड़ गई। आवाजें आ रही होंगी आपको हल्की सी, कप्पू के रोने की आ रही है। कल मैं यहाँ से निकला था तो यही सोच के था कि गाड़ी में इंजन में कुछ काम करवाऊंगा, लेकिन पैसे थे नहीं। और दूसरी दिक्कत चल रही थी मेरे, काफ़ी लंबे समय से बैटरी की गाड़ी में, गाड़ी जहाँ चाहे वहाँ बंद हो जाती थी, उसके बाद धक्का लगवा बहुत इंसर्ट होती थी और कई बार सवारियाँ छोड़ के चली जाती थी। तो कल मैंने गाड़ी का इंजन का काम तो नहीं कराया, वो थोड़ा सा खिंच जाएगा, 2-4-6 दिन कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, लेकिन जो बैटरी वाला था ना वो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही थी यार। धक्के लगाने वाले भी नहीं मिलते थे, सवारियाँ छोड़ के चली जाती थी। तो कल मैंने बैटरी डलवा दी गाड़ी में, अब कम से कम धक्का नहीं लगवाना है, जहाँ चाहो वहाँ सेल्फ मारो, स्टार्ट करो और ले चल दो अपना। अब 1-2 दिन पैसे इकट्ठे कर लेता हूँ, उसके बाद इंजन को दिखाऊंगा क्या दिक्कत आई है, फिलहाल अपने काम पे चलते हैं। गाइस, अब निकलते हैं गाड़ी लेके, नाश्ता पानी करते करते 7:30 बज गए यार, पता भी नहीं चला। और रोजाना की तरह घूमने मेरे साथ टिल्लू आ गई है, कब्बू बाहर शरारत करने में लग गई है, हो सकता है गाड़ी जैसे स्टार्ट होगी कब्बू भी सवार हो जाए गाड़ी में। ये दोनों बाहर गली तक जाती हैं रोजाना घूमने के लिए, चाहे मैं सुबह निकलूं गाड़ी लेके या शाम को निकलूं, ये दोनों भाई अपना मिस नहीं करती हैं। कभी कोई ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी मैं इन्हें नहीं लेके जाता, वरना डेली जाती हैं, या फिर ये सुबह सो के नहीं जगती हैं तो मैं कल्ला निकल जाता हूँ, लेकिन अक्सर होता यही है कि दोनों घूमने जरूर जाती हैं ना। टिल्लू, रोजाना घूमने जाते हो ना? तो गाइस, मथुरा जंक्शन पर आ चुके हैं, सुबह के 7:30 बजे यार, टाइम से ही निकल आया हूँ भाई, और सवारियाँ भी निकल रही हैं। सुबह 7:30 बजे, वरना 8:15 बज जाते थे मेरे को। ये हमारे प्रेमचंद भाई साहब, गुड मॉर्निंग। इधर सलीम है जो डग्गेमारी कर रहा है, वो पंडित है, दोनों के दोनों डग्गेमारी में लगे हुए हैं। इधर हमारे 2 मित्र और हैं, हेलो गुड मॉर्निंग ब्रजेश, गुड मॉर्निंग। ये बाबा हैं, बाबा गुड मॉर्निंग, राधे राधे बाबा, बाबा राधे राधे करते हैं, गुड मॉर्निंग नहीं करते हैं भाई। चलिए शुरू करते हैं अपना दिन, कुछ काम धंधा देखते हैं यार। गाइस, वैसे तो मेरे काम में भाई शनिवार का दिन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, हमेशा उम्मीद रहती है, बुराई से बुराई का टाइम चल रहा हो तब भी कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन आज भाई 7:30 बजे सुबह आधा घंटा पहले मैं स्टेशन पर आ गया था और तब से लेके अभी तक कुछ भी नहीं मिला, खड़े खड़े काफ़ी टाइम होगा जब जाके मेरे को आर्मी के क्वार्टरों से एक कॉल आई है, उन सर को लेके MH हॉस्पिटल, यानी कि आर्मी हॉस्पिटल लेके जाना है, उन्हीं को लेने के लिए आया हुआ हूँ, काफ़ी देर खड़ा रहा यार। लगभग 7:30 बजे स्टेशन पर पहुंच गया था, अभी 9:30 बजे हैं, तो 2 घंटे खड़े होने के बाद काम मिला है, वो भी स्टेशन से नहीं कहीं और से मिल रहा है भाई। गाइस, सबसे पहले तो आज बहुत भयंकर धूप पड़ रही है, कल जो बारिश वगैरह हुई है, आंधी वगैरह और बारिश आई थी, उसकी वजह से उमस और ज़्यादा बढ़ गई है। सुबह से कोई खास ज़्यादा काम किया नहीं है, सैटरडे था फिर भी हल्का ही काम रहा है। अभी अभी गैस डलवाई है, मैं इस वक्त पेट्रोल पंप पे ही खड़ा हुआ हूँ, तो यहीं से गैस हो गई है गाड़ी में, शाम तक के लिए अब टेंशन फ्री है, शाम को ड्राइवर को देता नहीं हूँ, 2-3 दिन से मैं अपने आप ही चला रहा हूँ, क्योंकि बहुत पैसे खर्च हो गए यार, वो गाड़ी में इंजन ऑयल उठाई गई है, 2-1 दिन की गई है कि कुछ पैसे जोड़ लो यार, मेरे लिए भी अच्छा है यार, पैसे है नहीं जेब में। कल मैंने बैटरी डलवाई थी 2000 रुपये की, तो कम से कम धक्का लगवाने से बच गया हूँ, अब स्मूथली गाड़ी चला रहा हूँ मैं। अब निकलते हैं स्टेशन के लिए, देखते हैं कुछ मिलता तो ठीक, वरना घर जाएंगे, 11:30 का टाइम हो चुका है ऑलरेडी। इतना बड़ा ट्रक और भाई हमारा रॉन्ग साइड ला रहा है यार, जब से हाईवे पे रेलिंग लगी ना दोनों साइड से तो गाड़ी चलाना बड़ा आसान हो गया, डर नहीं लगता कि कहीं से कोई कूद पड़ेगा, लेकिन कुछ जगह ऐसी है कहीं कोई ना कोई आ जाता है फिर भी, लेकिन फिर भी बहुत सिक्योरिटी फील होती है अब गाड़ी चलाने में हाईवे पे, पहले कहीं से भी कोई कूद पड़ता था, जानवर आ जाते थे, गाय वगैरह, अब ऐसा कोई झंझट नहीं रहा है। Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares.
ये सामने आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, ये ओवर ब्रिज है पैदल चलने वालों के लिए। देखिए एक बंदा जाम ही रहा है उस पर होके, लेकिन कुछ लोग फिर भी यार रोड को पैदल ही क्रॉस कर जाते हैं। ऐसे कई जगह बना दिए हैं सरकार ने, बहुत पैसा लगाया है, लेकिन फिर भी लोग इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं यार। और ये देखिए ये भाई साहब जो खड़े हैं, ये पैदल पार करने के लिए खड़े हैं। Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. What if I lay down and I play dead and I... ये देखिए गाइस, मैं ऐसे लोगों की बोल रहा था। अब ये ऊपर फ्लाईओवर ओवर ब्रिज बना रखा है पैदल चलने वालों के लिए, लेकिन फिर भी लोग पैदल पास कर रहे हैं इसको रोड को। और ये NH2 है, कोई मामूली या आम या कोई रोड नहीं है, NH2 को लोग पैदल पास कर रहे हैं, और जबकि फुट ओवर ब्रिज बना रखा है। अभी मोबाइल को बंद कर देता हूँ, भीड़ भाड़ दिख रही है आगे ऊपर फ्लाईओवर में। तो गाइस दोपहर तक का आराम खत्म हो चुका है। अभी मेरे को कॉल आ गई मेरे पड़ोस मोतीकुंज से ही, एक आर्मी वाले सर हैं जिनको मैं कई बार लेके जा चुका हूँ पहले भी, तो अभी उनको स्टेशन लेके जा रहा हूँ। ये मकान है बस, वो बाहर आ रहे हैं, उसके बाद स्टेशन छोड़ना और अपना दोपहर का आराम खत्म और शाम का टाइम शुरू। दोपहर को जब घर आ रहा था तभी मैं गैस तो डलवाना है, तो मुझे गैस तो डलवानी है नहीं, अब बस कमाना ही कमाना है। क्या हो रहा है भाई, डग्गे मारो, क्या कर रहे हो? घर आ चुके हैं, घर में देखिए क्या चल रहा है। घर में चल रही है TV, अंजलि और ये हमारी मम्मी। मम्मी क्या हो गया, क्या हो गया, बुखार आ गया मम्मी? लो गाइस मम्मी को बुखार आ गया, आजकल चल भी बहुत रहा है यार, दोपहर में भी कह रही थी ऐसा लग रहा है बुखार आएगा और आ ही गया। दवा ना लेके आई फिर? चलो आराम मिल जाएगा, आराम कर लो। देखो कमरे का हाल देखो, आज तो सारे के सारे हमारे कमरे में इकट्ठे हो गए। मम्मी की तबीयत खराब है लेकिन बच्चे नहीं मान रहे, ये हमारी मामी है, तुम तो ले कह रहा हूँ, मामी अपने लिए ले रही है, इनकी कह रहा हूँ, ये जो शैतान आ गए। मम्मी परेशान है फिर भी मम्मी के पास, एक हमारे घर का नया शैतान ये है। खुशी क्या हो रहा है, हेलो हेलो कर दो, अब हेलो करना सीख गई है खुशी। गाइस आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूँ, देखो ये मेरे हाथ में माचिस है और ये हमारी खुशी। खुशी आओ, ये देखो क्या हो रहा है। क्या हुआ, क्या हुआ खुशी? खुशी को कोई चीज मिलती नहीं है ना, रोला शुरू कर देती है भाई। तीनों आ गई, अब टिल्लू कब्बू और खुशी, तीनों की तीनों आ गई। ये तीनों मेरी भतीजियां, मेरे छोटे भाई की बेटियां हैं। मिल गया अप्पा, मिल गया। ओ खुशी को टॉफी मिल गई भाई, अब भी माचिस चाहिए। बात करेंगे। तो गाइस फाइनली भाई घर आ चुके हैं, खाना पीना सब हो चुका है, और कल जो मौसम अचानक से बदला ना, ऐसा मौसम जब अचानक से बदलता है ना तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं, और वो हो रहा है। कल मैं बता रहा था आपको कब्बू को बुखार आ गया है, आज मेरी मम्मी को बुखार आ गया है, मम्मी की तबीयत बिगड़ गई है। और जब जब ऐसे मौसम अचानक से करवट लेता है ना तो कुछ ना कुछ लोगों की तबीयत पे असर डालता ही डालता है। मैं भी 2-3 दिन पहले तक जुकाम महसूस कर रहा था लेकिन मैं तो बच गया भाई बुखार से। आई होप कि ना आए ऊपर वाला, ना करे भाई, इस समय पैसे की बहुत तंगी चल रही है, बुखार वगैरह कुछ आया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल मम्मी दवाई ले आई हैं, कल कब्बू दवा ले आई थी उसको आज राहत है, तो उम्मीद यही है कि मम्मी को भी राहत मिल जाएगी कल सुबह तक। गीता नाराज आज मेरे से, सो गई है जल्दी, पता नहीं क्यों गीता का अपने आप ही मूड ऑफ रहता है यार। अब होता तो होता है, मैं क्या करूं, कब तक मनाऊं, इतना भी बीवी को सर पर मत बैठाओ, मजाक कर रहा हूं, वैसे कुछ नहीं है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस ब्लॉग का कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना, बहुत ज़रूरत है यार। वैसे भी 2-3 दिन की बात हो रही है, मैंने आपसे कहा था 31 मई को मैं अपना एंड कर दूंगा ब्लॉगिंग का, क्योंकि सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो पाएंगे, चैनल बेकार हो जाएगा, किसी मतलब का नहीं रहेगा। तो 1 साल 31 मई को हो जाएगा, तो 2-3 दिन में
और बच्चे अगर आप सपोर्ट कर सकते हो तो प्लीज़ कीजिए, एक वीडियो तो वायरल करवा दो यार। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।